और उनके ओल्ड कॉन्सेप्ट के अनुसार किसी तत्व की संयोजकता कैसे निकाली जाती है। अब हम लोग जो सीखने वाले हैं वो हम लोग जानेंगे न्यू कॉन्सेप्ट के अनुसार किसी तत्व की वैलेंसी संयोजकता कैसे मालूम की जाती है। अच्छा, बात करें न्यू कॉन्सेप्ट के साथ वैलेंसी, तो बड़ा ही सिंपल होता है। इसमें डिफिनेशन कहा जाता है किसी तत्व के परमाणु के सबसे बाहरी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही उस तत्व की संयोजकता होती है। हमने क्या कहा, परमाणु होते हैं, परमाणुओं में बाहर उनके सेल होते हैं, नाभिक के चारों ओर सेल कक्षाएं होती है, उन्हीं कक्षाओं में जो सबसे बाहरी सेल होते हैं, कक्षाएं होते हैं, उनमें जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे उन्हीं को हम लोग उन तत्वों की वैलेंसी कहेंगे। जैसे सपोज मान लीजिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आप करेंगे बोरबरी नियमानुसार तो 1। इसी प्रकार सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 281, मैग्नीशियम 12 होगा 282, एल्यूमिनियम 13 283, और अगर सिलिकॉन की बात करें तो SI 14 284। ये इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं। यहां पर अगर बात करें वैलेंसी संयोजकता की, तो हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होगी, 1 होगी, सोडियम की वैलेंसी 1 होगी, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होगी, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होगी, सिलिकॉन की वैलेंसी 4 होगी। अब इन सभी का मतलब क्या, जरा समझते हैं। अच्छा ये बताइए, अगर मैग्नीशियम परमाणु होगा तो ये इसका न्यूक्लियस होगा, नाभिक में न्यूट्रॉन प्रोटॉन उपस्थित होते हैं कि वृत्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन, तो जरा आप समझिए पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, ऐसे इलेक्ट्रॉन वितरण रूप से फैले होते हैं, और लास्ट वाली यानी तीसरी कक्षा में कुल 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे। तो हमने क्या कहा, सबसे बाहरी किसी तत्व के परमाणु के सबसे बाहरी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। इसके सबसे बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, तो इसकी वैलेंसी कितनी, 2। इसी प्रकार एल्यूमिनियम में 3 होंगे, सिलिकॉन में 4 होंगे। तो इस प्रकार से किसी तत्व की वैलेंसी निकाली जाती है। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है जैसे नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 2 5, ऑक्सीजन 8 2 6, फ्लोरीन 9 2 7। अब प्रश्न ये उठता है इन तत्वों की वैलेंसी कितनी होगी, क्या नाइट्रोजन की वैलेंसी 5 हो जाएगी, ऑक्सीजन की 6 हो जाएगी और फ्लोरीन की 9 हो जाएगी, नहीं। कहा जाता है अगर बाहरी कक्षाओं में 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो तो 8 से माइनस करते हैं, फिर जो नंबर आता है वह उस तत्व की वैलेंसी हो जाती है। चलिए माइनस करते हैं, यहां पर नाइट्रोजन की बाहरी कक्षा में कितने, 5 इलेक्ट्रॉन है, 8 से माइनस करते हैं कितना आता है, 3, यानी नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी आती है, 3। इसी प्रकार ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में कितने हैं, 6, तो 8 से माइनस करिए 6 को, कितना आता है, 2, इसकी वैलेंसी कितनी, 2। फ्लोरीन 8 से माइनस करिए 7, कितना आया, 1, तो इसकी वैलेंसी 1। तो ये बड़ा सिंपल फंडामेंटल है, इस प्रकार से तत्वों की वैलेंसी निकाली जाती है। अच्छा, कभी कभी वैलेंसी सेल के बारे में पूछा जाता है, संयोजी कोष के बारे में। चलिए जरा हम लोग सीख लेते हैं संयोजी कोष है क्या, ध्यान दीजिएगा संयोजी कोष के बारे में। संयोजी कोष किसे कहते हैं, वैलेंसी सेल और वैलेंसी इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, ये चीज आपको ध्यान में रखना है, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अब ये वैलेंसी इलेक्ट्रॉन एंड व्हाट इज वैलेंसी सेल, परमाणुओं के सबसे बाहरी कोष को वैलेंसी सेल कहा जाता है। ये आप देख पा रहे हैं मैग्नीशियम का वैलेंसी सेल कौन सा होगा, 3रा, एल्यूमिनियम का वैलेंसी सेल कौन सा होगा, 3रा, सिलिकॉन की वैलेंसी सेल कौन सा होगा, 3रा। अगर कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है 2882, तो आप देख पा रहे हैं कैल्शियम के सबसे आउटर नोट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, कैल्शियम की जो वैलेंसी सेल है वो 4th होगा, 4th होगा। तो परमाणुओं के सबसे बाहरी कोष को वैलेंसी सेल संयोजी कोष कहा जाता है। नाइट्रोजन का संयोजी कोष 2रा होता है, ऑक्सीजन का भी 2रा, फ्लोरीन का भी 2रा। अच्छा, अब वैलेंसी इलेक्ट्रॉन की बात करें तो वैलेंसी सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन क्या है, जरा इसके बारे में हम लोग सीख लेते हैं। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन सबसे बाहरी कोष को वैलेंसी सेल संयोजी कोष, उन्हीं में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होंगे वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन में वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 है, सोडियम में 1 है, मैग्नीशियम में 2 है, एल्यूमिनियम में 3 है, सिलिकॉन में 4 है, कैल्शियम में 2 है, नाइट्रोजन में
तो इस प्रकार से आप किसी तत्व की वैलेंसी सेल निकाल सकते हैं, राइट। अच्छा, यहां पर संयोजकता अलग होती है, वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन इसमें वैलेंसी 5, इसमें 6, इसमें 7। तो इस प्रकार से आप वैलेंसी सेल, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन और इनके वैलेंसीज के बारे में जान पाए न्यू कॉन्सेप्ट के अनुसार। अब इसके बाद वीडियो वाले लेक्चर में हम लोग मुलाकात करेंगे संयोजी कोष का इलेक्ट्रॉन यानी संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, इन सभी के बारे में सीखेंगे, कोष तथा लुईस के बारे में। चलिए फटाफट से इसे आप नोट डाउन कर लीजिए।